फतेहाबाद हरियाणा के फतेहाबाद फतेहाबाद जिले के गांव गोरखपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब भागड़ा नहर में एक युवती का शव डेड बॉडी नग्न अवस्था में मिला भाखड़ा नहर में डूम्मा वाले पुल पर लगाए हुए लोहे के जाल में युवती का पानी में बहता हुआ शव अटक गया गांव के लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से युवती के शव को नहर से बाहर निकाला महिला के शव की पहचान के लिए आसपास के क्षेत्र के लोगों को मौके पर बुलाया गया मगर उसकी कोई पहचान नहीं हो सकी गांव भैनी बादशाहपुर निवासी कृष्ण कुमार ने बताया कि 12 मार्च की देर शाम करीब साढ़े सात बजे मेरे भाई की पुत्रवधु मंजू देवी बेटा विजयपाल तथा पौत्र यतिन सनियाना के समीप मोटरसाइकिल सहित नहर में गिर गए थे विजयपाल की आंख में मच्छर गिरने के कारण ये हादसा हुआ लोगों ने मौके पर विजयपाल व मोटरसाइकिल को तो भाखड़ा नहर से बाहर निकाल लिया था परंतु उनकी पुत्रवधु मंजू देवी व पौत्र यतिन पानी के तेज बहाव में बह गए थे जिनकी तलाश के लिए पिछले चार दिनों से भाखड़ा नहर में गोताखोरों की मदद से लगे हुए हैं और गोरखपुर के पास पुल पर लोहे का जाल लगा रखा है बुधवार की दोपहर को पानी में पीछे से बहती हुई नग्न अवस्था में एक युवती की लाश तैरती हुई आई और जाल में अटक गई कृष्ण कुमार की सूचना के तुरंत बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने भाखड़ा नहर से महिला के शव को बाहर निकाला और उसकी पहचान हेतु हुलिया रिपोर्ट से संबंधित कई पुलिस स्टेशनों में अवगत करवा दिया है शव क्षत विक्षिप्त हालत में होने के कारण पहचान नहीं हो पाई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही शरीर पर लगी हुई चोट के बारे में पुष्टि हो पाएगी